नमस्कार जी, कैसे हैं आप दोस्तों? नवरात्रि जो है वो शनिवार की है, 17 अक्टूबर की है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुश मांडवा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। यह क्रम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश घट की स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की कालावधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि भैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्म स्थित है और कलश के मध्य में देवीय मार्त शक्तियां निवास करती हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, हेमो व राज तस्ताम्रो मणमयो वापी हावण अर्थात कलश सोने चांदी तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है व मंगल कार्यों में शुभकारी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पच रत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे ना दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंच रत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। पुराणों के अनुसार पंचम पल्लव व संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्ण हेम रत्ने समन्वितम अर्थात कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचम रत्न युक्त होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेट कर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है अधोमुखम
शत्रु विर्धर्दनाय उर्ध्वस्य वस्त्रं बहुरोग वृद्धेः प्राचीमुखं वित्तं विनाशनाय तस्मात् शुभं सन्मुख्यं नारिकेलम्। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीच रख दे। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब ज्योत जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि की घट स्थापना व अखंड ज्योत के शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020। अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर में लग रहा है 11:41 से 12:27 तक। दिन के मुहूर्त जो है वो प्रातः 7:45 से 9:11 तक, प्रातः 12 से 4:30 तक, शाम के मुहूर्त जो है शाम 6 से 7:30 तक, रात के मुहूर्त रात्रि 9 से 12:04 तक। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा उपासना श्रद्धा से करें। श्रद्धा पूर्वक करने से माता रानी अवश्य ही शुभ फल हमें देकर जाती हैं। इस बार तो देवी माता जो है वो ठीक 9 घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। और अगर आप शुभता से पूजा करते हैं, श्रद्धा भक्ति से करते हैं, तो देवी माता हमें सारी विद्याएं, माँ विद्याएं और सब कुछ हमें दे जाती हैं। और दोस्तों, अगर आप श्रद्धा से भक्ति से माँ की उपासना करेंगे तो माँ हमें सारी शक्तियाँ दे जाती हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी जी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोध वंश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखा दी। इस अति भयंकर कारी दृश्य को देखकर शिवजी जी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिवजी जी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप है। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियाँ का प्रयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था।
पर्वति के अनुसार इस दस महाविद्या के तीन समूह हैं। पहला सोमकोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्रकोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। तीसरा सोम उग्रकोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जो मैंने मुहूर्त बताया है उसको जाकर भेजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसे हैं आप?